बरसात के मौसम में सांप से खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में घरों में, स्टोर रूम में सांप देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में हम क्या उपाय कर सकते हैं कि सांप से बच सके और घर में सांप ना घुस सके? इसके लिए आइए एक्सपर्ट से हम बात करते हैं और जानते हैं क्या उपाय कर सकते हैं। बरसात के दिनों में जहाँ सांप रहते हैं गर्मी के समय में, उनका बिल या झाड़ियाँ वगैरह, इसमें पानी आ जाता है, जिसके कारण ये सूखी जगह की तलाश में घरों के अंदर आते हैं। पहला चीज है कि ऐसे घर जो कि सीढ़ी के ऊपर बने हुए हैं, वहाँ पर सांप नहीं चढ़ पाता है, एक सुरक्षा का वो है उपाय। दूसरा है कि घर में लगातार आप सफाई करते रहें, छुपने की जो जगहें होती हैं उनको ना जमा करें, कूड़ा करकट वगैरह है एक जगह रखा हुआ है तो उसको फेंकवा दें या जला दें। मतलब ये कि कोई छुपने लायक जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ घर की सफाई के लिए घर में जो पोंछने के काम में आता है उसमें फिनाइल का इस्तेमाल कीजिए, फिनाइल से घर पोंछवाइए। फिनाइल के चलते, फिनाइल में होता है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड सभी तरह के ऐसे जंतुओं के लिए एक तरह से रुकावट डालने का काम करता है। उसके महक से न सांप, बिच्छू से लेकर के कीड़े मकोड़े तक, मक्खी भी से छुटकारा मिलता है। तो कार्बोलिक एसिड या फिनाइल जिसको हम लोग कहते हैं उसका इस्तेमाल करें। कार्बोलिक एसिड का यदि आप मानते हैं, समझते हैं, तो घर के किनारे किनारे उसका छिड़काव एक बार कर दें तो अंदर की ओर आने वाले सांप वगैरह ये नहीं आएंगे। कितने दिन के अंतराल में यह छिड़काव करना चाहिए? जहाँ आपने छिड़काव किया है, यदि पानी बरस गया वो तो बह गया। यदि खुली जगह पर छिड़काव करते हैं तो आपको करीब करीब रोज करना पड़ेगा। यदि खुली जगह नहीं है तो एक हफ्ता के अंत तक चलता है, उसकी मांग कायम रहती है। आखिर क्यों कार्बोलिक एसिड के मैच से सांप नहीं आते हैं? अलग 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 थ्योरी है इसके लिए। कार्बोलिक एसिड ऐसा एक रसायन है जो कि अनेकों कीड़े मकोड़े और सांप वगैरह को पसंद नहीं है इसकी महक। तो इसकी महक के चलते ये उसके नज़दीक नहीं आते हैं, उससे दूर हटते हैं। तो ये एक बचाव का तरीका है और घर में साफ सुथरा रखने का एक माध्यम भी है।